वन एलिमेंट के लिए, एल आई मेटल के लिए, एल आई मेटल ऊपर एलिमेंट
बारे में जनरल थिंग जनरल बात करते हैं तो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन पीरियड आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस। पीरियड में आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? इंक्रीज होता है। अब आपको रीजन भी देना पड़ेगा क्यों पीरियड में क्यों इंक्रीज होता है, बिकॉज एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस इन पीरियड। ठीक है, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन पीरियड आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस बिकॉज एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस इन पीरियड। अब हम लोग आते हैं ग्रुप में, ऑन मूविंग डाउन इन ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन पोटेंशियल ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में क्या होता है डिक्रीजेस बिकॉज एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम लोग बात करते हैं एस लॉग एलिमेंट के आयनाइजेशन पोटेंशियल की। एस लॉग एलिमेंट है वेरी लो आयनाइजेशन पोटेंशियल। बच्चों एस लॉग एलिमेंट का आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? लो। ठीक है, ऑन मूविंग डाउन इन ए ग्रुप आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस बिकॉज एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। क्लियर। आफ्टर दिस नेक्स्ट पॉइंट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पॉइंट नंबर फोर है ऑक्सीडेशन स्टेट। प्यारे बच्चों जैसा कि आप जानते हो कि एस लॉग एलिमेंट में दो ग्रुप आते हैं, ग्रुप वन का दूसरा नाम होता है एल्काइल मेटल, और एल्काइल मेटल और ग्रुप वन होते हैं लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसीसियम। ये होते हैं, ठीक है, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसीसियम। प्यारे बच्चों ग्रुप वन एलिमेंट और एल्काइल मेटल सो प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सभी प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब क्वेश्चन है प्लस वन क्यों शो करते हैं, क्योंकि देखिए सोडियम ले लिया आपने 11 इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन 2-1 लास्ट सेल में वन इलेक्ट्रॉन है, इसलिए प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और ग्रुप वन एलिमेंट की वैलेंसी वन होती है, कितनी वैलेंसी होती है 1, क्योंकि लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ग्रुप 2 एस लॉग एलिमेंट में दो ग्रुप आते हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2। अब ग्रुप 2 में आते हैं बच्चों, ग्रुप 2 का दूसरा नाम क्या होता है? हाँ बहुत अच्छा आपने बताया, एल्काइल अर्थ मेटल। बेटा जी एल्काइल अर्थ मेटल और ग्रुप 2 क्या है? बेटा मांगे काल सैकड़ो बाप राजी, बेटा मांगे काल सैकड़ो एस आर बाप राजी। ग्रुप 2 एलिमेंट्स और एल्काइल अर्थ मेटल सो प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बेटा ये प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और मैंने आपको ग्रुप 1 याद करना बताया था, कैसे याद करते हैं? हाली ना करो रब से कसके फरियाद, फिर से हाली ना करो रब से कसके फरियाद। ये ग्रुप 1 याद हो गया। ग्रुप 2 कैसे याद करते हैं? बेटा मांगे कार से क्यों बाप राजी। ठीक है, क्लियर, ओके। हाँ सर चालू। नाउ स्टूडेंट आई एम टेलिंग यू मेटेलिक करेक्टर। पहले तो मेटेलिक करेक्टर होता क्या है? टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटेलिक करेक्टर। एलिमेंट लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। जैसे आपका सोडियम मेटल 11 होता है एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 2-8-1, लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इतने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और ये बन गया सोडियम आयन Na+। देखो भैया टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन, एलिमेंट लूज इलेक्ट्रॉन फॉर्म पॉजिटिव आयन।
एल्कलाइन मेटल्स ये मोस्ट मेटालिक होते हैं, और ग्रुप टू एलिमेंट एल्कलाइन अर्थ मेटल लेस मेटालिक होते हैं एज कंपेयर टू ग्रुप वन एलिमेंट और एल्कलाइन मेटल। तो ग्रुप वन और ग्रुप टू में मोस्ट मेटालिक कौन है? ग्रुप वन एलिमेंट मोस्ट मेटालिक है, और ग्रुप टू क्या है? लेस मेटालिक एज कंपेयर टू ग्रुप वन। ठीक है, तो मेटालिक कैरेक्टर क्लियर हो गया। और मूविंग डाउन इन ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। क्लियर हो गया, नोट कर लिया। इसके बाद आपका नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नंबर सिक्स, प्रॉपर्टी नंबर सिक्स है भैया, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। एस ब्लॉक एलिमेंट है वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। एस ब्लॉक एलिमेंट है वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है। लास्ट सेल में वन इलेक्ट्रॉन होता है, वो लूजली हेल्ड होता है, इजीली लूज होकर पॉजिटिव आयन बना देता है। एस ब्लॉक एलिमेंट है वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। क्लियर हुआ, समझ गए? तो सब इनका इनकी मेन प्रॉपर्टी क्या है? एस ब्लॉक एलिमेंट है लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इसमें लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड होता है, लूजली बाउंड होता है। क्लियर,